गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेश विद सुबह। मैं हूँ आपकी दोस्त सुबह। कैसे हैं आप सब? सो गाइस आज की वीडियो एक मेकअप चैलेंज है। आज की इस वीडियो में मैं आपका शेयर करने वाली हूँ लेफ्ट हैंड मेकअप चैलेंज। मतलब मैं आज की वीडियो में जो भी मेकअप करूँगी वो सिर्फ लेफ्ट हैंड से करूँगी, पर मज़ा भी आने वाला है इस चैलेंज को करने में। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ी नर्वस भी हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी टोनर। ये तो बहुत मुश्किल है। स्किन केयर बहुत जरूरी है, आप चाहे कोई भी मेकअप कर रहे हो। इसके बाद बारी आती है मॉइस्चराइजर की। ये तो लेफ्ट हैंड से खुलेगा नहीं, मैं सिर्फ राइट हैंड का सपोर्ट लूंगी इसे खोलने के लिए। ये बायोटिक का मॉइस्चराइजर है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। आपकी स्किन चाहे कैसी भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे स्किन ऑयली हो ड्राई हो। इसके बाद मैं लिप में वैसलीन अप्लाई करूँगी। लिप केयर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बारी आती है प्राइमर की। ये मैंने मार्स का प्राइमर लिया हुआ है। इसे सिर्फ टी जोन में लगाएंगे जहां ओपन पोर्स होते हैं। इसे हमेशा हाथों से प्रेस करके लगाना चाहिए, कभी भी इसको ड्रैग नहीं करना चाहिए। ऐसे हल्के हाथों से प्रेस करके प्राइमर लगाने के बाद 2 मिनट का वेट करेंगे, फिर फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। अब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। इससे करना है यहाँ साथ में, कंफ्यूज हो रही मैं। इसे राइट हैंड में लेंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा मैं इसे बैक हैंड में रख के वार्म करूंगी, अप्लाई करूंगी। मेरे को कभी नहीं भूलना चाहिए जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करें तो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे उतना ही आपका मेकअप फ्लॉलेस होगा, केक ही नहीं होगा। मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी। मैं छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। अभी तक सब इजी लग रहा है, इतना मुश्किल भी नहीं लग रहा है। मैं पहले आंखों का मेकअप करूंगी। सबसे पहले मैं ये ब्राउन शेड अप्लाई करूंगी। Yeah.
यार ये तो हो ही नहीं रहा है, ये तो हाथ ही नहीं चल रहा है। यार इतने धीरे धीरे तो पूरा दिन निकल जाएगा मुझे, यहाँ वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे। यार जिस स्पीड से मेरा हाथ चल रहा है ना, ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। गाइस आपने एक बात नोटिस की, मैंने अपने ईयर रिंग्स चेंज कर लिए, वाले ईयर रिंग्स मुझे अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने चेंज कर लिए। अच्छा मुझे आप लोगों से एक शिकायत है यार, आप लोग क्या कर रहे हो, मेरी वीडियोस नहीं देखते आप लोग, देखते हो तो लाइक नहीं करते, लाइक करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्या मेरे सब्सक्राइब बटन में करंट लगा हुआ है? नहीं ना, छू कर देखो एक बार, है नहीं है ना, तो फटाफट सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, किया ना यार, बहुत मेहनत से हम लोग वीडियोस बनाते हैं, एक बार देख लिया करो, अगर पसंद आती है तभी लाइक किया करो और चैनल सब्सक्राइब किया करो। लेफ्ट हैंड से आंखों का मेरे को बहुत मुश्किल काम है। मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर लिया अपनी आंखों पे, पर वो चैलेंज ही क्या जिसमें मुश्किल ना हो, इजी काम करने मुझे मजा भी नहीं आता। चलो कुछ ना कुछ तो हो गई, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब मैं फेशियल मास्क अप्लाई करूंगी आईलिड के मिडिल पे, अब बारी आती है आईब्रो की। आप बाहर आ गई, कंसीलर से मैं हाईलाइट करूंगी।
अब कंसीलर भी हमने ब्लेंड कर लिया है, तब बारी आती है मेकअप को सेट करने की। इसके लिए मैं ये ब्लू हेवन का क्विस पाउडर लूँगी। हम थोड़ी देर ऐसी रहने देंगे, कम से कम 5 मिनट के लिए, तब हम ब्रॉन्जिंग करेंगे। इसके लिए मैंने ऐसे पार कलर पैलेट लिया है, हाइलाइटर, ब्लश, ब्रॉन्जर और कंटूर पैलेट लिए। फ्रेंड्स, मेकअप ऐसे इतना मुश्किल काम भी नहीं है, बस थोड़ा स्लो हो जाता है। जिस स्पीड से हम राइट हैंड से काम करते हैं उसी स्पीड उस हिसाब से लेफ्ट हैंड से स्पीड कम हो जाती है। मैं ब्लशर भी इसी पैलेट से लूंगी। यार देखो ना, मेरा ये वाला पैलेट पूरा गया है, हाइलाइटर पूरा खराब हो गया है। इतना दुख होता है नहीं, कोई चीज टूट जाती तो, खासकर मेकअप प्रोडक्ट्स। पहले हल्का सा अप्लाई करूंगी मैं। लेफ्ट हैंड से राइट साइड पे करने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे। मैं अपना आई मेकअप कंप्लीट करती हूँ। इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ताकि अलग से ना दिखे। अब सबसे मुश्किल काम, आईलाइनर लगाना। ये तो राइट हैंड से सही नहीं हो पाता है। no.
वाह, आईलाइनर तो अच्छे से लग गया है। नॉट बैड। पूरी थोड़ी सेविंग निकाल लेती हूँ। ज्यादा रिस्क लेने का नहीं। मम्मी वाओ, आई लाइनर तो बहुत अच्छा लगा है। इतना अच्छा तो मैं राइट हैंड से भी लगा पाती। अब बारी आती है काजल लगाने की। सॉरी गाइस, मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी काजल लगाते समय, तो मैंने ये लेफ्ट हैंड से किया है। ये बहुत आसानी से लग जाता है ऐसे, अगर आप आंख बंद करके लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से जाता है। अब मैं लिपस्टिक अप्लाई करूंगी, बट मैं लिप एंड ड्रॉ करूंगी। मैं ये इनसाइड की लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। अरे यार, कौन सा लिफ्ट है कौन सा लाइट है, बहुत कंफ्यूजन है। ये कलर चेंज क्यों आ रहा है कैमरे पे? लिपस्टिक भी मैडन होती है। अब मैं मेकअप को सेट करूंगी सेटिंग स्प्रे से। यार मैं मस्कारा लगाना भूल ही गई, सॉरी गाइस। अरे यार किधर जा रहा है? अब मैं अप्लाई करूंगी हाइलाइटर।
गाइस बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, लेकिन मैं वीडियो ठीक कट कर रही थी, आपको ऐसा ना लगे कि मैंने बैकग्राउंड मेकअप कम्प्लीट किया है, तो उसके लिए सॉरी। पहले मैं इसको सेट ठीक करूँ, इसको फिक्स करूँ। तो गाइस थोड़ा मेकअप की बात कर लेते हैं। मेकअप बहुत ही अच्छा हुआ है, आई शेडो, आई लाइनर, आईब्रो स्टिक सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अगर आपको कोई कमी लग रही हो तो प्लीज़ बताइएगा। चैलेंज शुरू करने से पहले मुझे डर लग रहा था, पता नहीं ये चैलेंज मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, ऐसा ना हो कि मैं कार्टून बन जाऊँ। पर ये चैलेंज मैंने बहुत अच्छे से किया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। सब कुछ हो गया ना, या मैं फिर कुछ भूल रही हूँ? सो गाइज आज का ही मेरा मेकअप चैलेंज कम्प्लीट होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते, देख के चले आते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए मेरे साथ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, लव यू।